हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज्य सरकारी जॉब 24 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान वन रक्षक रिजल्ट 2023 के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, यदि आपने वन रक्षक के लिए अप्लाई किया है तो उसका रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड। तो इसका फॉरेस्ट का जो डीवी लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आप अपनी जो डीवी लिस्ट में या फिर मेरिट लिस्ट में अपना नाम आप कैसे चेक कर पाएंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बाद यहाँ पर टेस्ट में आपको यहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है तो उसमें आपको क्या क्या लेकर जाना होगा, ठीक है। और आपकी यहाँ पर डीवी की लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी की गई, तो इसमें अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग लास्ट डेट दे रखी है। तो आपकी यहाँ पर जो पीईटी टेस्ट होने वाला है उसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली, मेरिट लिस्ट में नाम कैसे चेक करना है, और इसके बाद आप फिजिकल टेस्ट में जाएंगे तो आपको क्या लेकर जाना होगा, इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और जिन्होंने वन पाल का यानी कि फॉरेस्टर का यहाँ पर रिजल्ट चेक नहीं किया है तो रिजल्ट चेक कर लेना, उसका भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड दोनों का यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कर पाएंगे। और इसको कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से, इसका प्रोसेस भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप फॉरेस्ट गार्ड में डीवी लिस्ट में नेम आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड की जो डीवी लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी गई है आज की डेट में। यहाँ पर देख सकते हैं 19/4/2023 की डेट में यहाँ पर ऑफिशियल जो अपडेट है यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड सीधी भर्ती 2020 की जो वैकेंसी थी, और इसमें आपको यहाँ पर 2022 में भी इसका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। इसमें टोटल पदों में इसे 5 गुना कैंडिडेट को इसमें शामिल किया गया है इस डीवी लिस्ट में। कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र जो कैंडिडेट हैं इनके लिए 81,2167 पद थे, जिनके लिए इसका देख 5 गुना कैंडिडेट कितने हो गए, 13,306 कैंडिडेट हो गए। और यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के 489 यहाँ पर इसके पद थे, और इसको यहाँ पर थे 5 गुना कैंडिडेट 2,422 कैंडिडेट हो गई। इन कैंडिडेट का यहाँ पर डीवी लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं वन रक्षक के पद से चु हेतु शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षा का आयोजन वन विभाग द्वारा 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल से लेकर 28 मई 2023 तक किया जाएगा। इसी डेट के अंतर्गत आपकी यहाँ पर डेट रहने वाली है। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर जो शारीरिक मापदंड या फिजिकल टेस्ट आपके यहाँ पर होने वाला है, इसमें आपको क्या क्या लेकर जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका डीवी कब है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो शारीरिक मापदंड जो फिजिकल टेस्ट हैं वो कब होने वाला है उसकी जानकारी अभी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। और इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं मूल आधार कार्ड और परीक्षा प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना है। केवल आपको दो ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, एक तो आपका यहाँ पर जो आधार कार्ड है, अपना आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। आधार कार्ड के साथ आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड भी लेकर जाना होगा, ठीक है। तो ये दो ही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लेकर जाना होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर डेवी लिस्ट जारी की गई है फिजिकल टेस्ट की, और यहाँ पर जिसमें आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है और फिजिकल डेट की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी आपको यहाँ पर होने वाली है, क्रिकेट बॉल थ्रो एम सीटअप का जो यहाँ है इन कैंडिडेट का यहाँ पर होने वाला है। और डेट यहाँ पर देख सकते हैं 25 अप्रैल 2023 को 6 बजे, ठीक है, 6 बजे शाम को यहाँ पर आपका होने, सो फ्रेंड्स AM सुबह को होने वाला है, ठीक है, सुबह 6 बजे 25 अप्रैल को आपका होने वाला है यदि आप इसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं तो, जिसका भी यहाँ पर क्रिकेट बॉल थ्रो है वो वाले कैंडिडेट, ठीक है। और पद चाल परीक्षण यानी कि आपका दौड़ होगा, दौड़ वाले जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर 26/4/2023 को सुबह होने वाला है। तो ये लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इस रोल नंबर के अंतर्गत आपका आता है यदि आपकी दौड़ होती है, दौड़ 26 अप्रैल को है, यदि क्रिकेट थ्रो बॉल्स के बोर्ड आपकी यहाँ पर होती है तो उसका भी रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि समय पर आपको कौन से समय पर आपको आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 अप्रैल 2001 PM से आपका यहाँ पर जो समय है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सुबह ही आपको यहाँ पर जाना होगा, ठीक है। और स्थान आपको यहाँ पर देख सकते हैं केंद्र कहाँ पर आपको कहाँ पर जाना होगा फिजिकल देने के लिए, वो एड्रेस भी यहाँ पर आपको दिया गया है, उप निरीक्षक समूह केंद्र 2 केंद्रीय पुलिस बल फायर सागर रोड अजमेर आपको यहाँ पर जाना होगा, ठीक है।
शायद सभी का ही आपको यहाँ पर सेम एड्रेस है, समय सम आपको समान एड्रेस पर जाना होगा, ठीक है। कुछ कुछ का यहाँ पर चेंजेज है, सभी का मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सा केंद्र है। पदचाल का यहाँ पर 26 अप्रैल से है, गोला फेंक और यहाँ पर स्टेडिंग ब्रॉड फेंक यहाँ पर 27 अप्रैल को है, सुबह ही आपको यहाँ पर जाना होगा। और आपका जो टाइम है, ये टेस्ट कब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, 27 को जाना है और 28 को आपको यहाँ पर टेस्ट होने वाला है 1 बजे, ठीक है, इसका आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऊपर में आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं गतिविधि क्या रहने वाली है, यदि आपका ये टेस्ट है तो इस डेट को आपका जाना हुआ, निर्धारित समय एवं तिथि इस डेट को आपको यहाँ पर जाना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक मापदंड हेतु, ठीक है, नियम के अंतर्गत, ठीक है, शारीरिक मापदंड होने वाला है। चाल की यहाँ पर डेट दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर दो दो डेट आपको यहाँ पर दे रखी है। आपका डाउट होगा कि एक डेट तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और एक डेट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ये डेट है, ये तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी है, यहाँ पर आपको ऊपर देख सकते हैं शारीरिक मापदंड हेतु, ठीक है, शारीरिक मापदंड यानी कि आपका फिजिकल होने वाला है, यदि आपकी दौड़ होगी, पद चाल होगा, यदि दौड़ होगी, दौड़ के लिए ये डेट दे रखी है, ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। फिजिकल तो सभी का होने वाला है, तो सभी की डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर दे सकते हैं गोला फेंक का 27 अप्रैल को होगा, और इसका यहाँ पर दे सकते हैं फिजिकल भी सभी का होने वाला है, तो 27-27 को 2 दिन तक आपको ऊपर वहीं पर रहना होगा, ठीक है। तो ये थी, और अब बात करते हैं आपको डेट यहाँ पर चेक कर सकते हैं और कौन से एड्रेस पर जाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर दे सकते हैं क्रिकेट बॉल थ्रो एंड सिस्टम के लिए यहाँ पर दे सकते हैं 10 मई 2023 के डेट में सुबह 6 बजे आपको यहाँ पर जाना होगा इस टेस्ट के लिए, ठीक है। और यही वाला जो कैंडिडेट है, यदि आपका फिजिकल भी है तो फिजिकल 11 मई 2023 को होगा 10 बजे से, फ्रेंड्स 1 बजे से आपको यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है, सेम एड्रेस पर आपको यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एड्रेस भी आपको यहाँ पर दो दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस का आपको विशेषकर ध्यान में रख लेना है। ये एड्रेस दे रखा है, ये इस एड्रेस का है, और इसके बाद यदि आप फिजिकल देना चाहें तो फिजिकल का ये एड्रेस आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आपको एड्रेस का आपको विशेषकर ध्यान में रखना है, किसी का चेंजेस है तो आपको उसके भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके यहाँ पर लिस्ट में आपको नेम कैसे चेक करना है, तो अभी तक इसमें नेम तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दिया है इसमें आपको क्लिक करना है। यदि सर्चिंग का ऑप्शन काम में कर रहा है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं अपने रोल नंबर, जैसे कि यहाँ पर सर्चिंग का बिल्कुल जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक रोल नंबर ढूंढ के दिखा देता हूँ, ठीक है, 1023-25। ठीक है, तो मैंने एक रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर लिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका हाईलाइट हुआ है, तो इसमें आपका टेस्ट होने वाला है। आपका टेस्ट कौन सी डेट को होगा यहाँ पर देख सकते हैं, इन कैंडिडेट का यहाँ पर मैंने इस कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर फाइंड हुआ है, तो इस डेट का यहाँ पर होने वाला है। इसका जो क्रिकेट बॉल थ्रो एम सीटअप जो है ये होने वाला है टेस्ट 25 अप्रैल को, ठीक है, और सुबह होगा, ठीक है, सुबह टेस्ट होने वाला है। और इसकी जो दौड़ है, दौड़ 26 अप्रैल को होने वाली है, ठीक है, इस एड्रेस पर, ठीक है, नाम और पता का एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस एड्रेस पर, और स्थान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस स्थान पर आपको यहाँ पर होने वाला है, और इस पते पर आपको यहाँ पर जाना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपकी पूरी डिटेल्स, ठीक है, और इसके बाद कोई भी अलग इन्फॉर्मेशन है वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी अन्य इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना आधार कार्ड और अपना जो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, आपका फिजिकल टेस्ट दौड़ वगैरह आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर चले जाना है, वहाँ पर आपका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर RSMSSP आपको यहाँ पर सर्च करेंगे तो पहला लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, गूगल में वहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है, और ऑफिशियल जो PDF है उसका लिंक आप PDF का जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 19/4/2023 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2020 शेड्यूल फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, ठीक है, इसमें आपको क्लिक कर देना है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है, वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, कंजूसी बिल्कुल मत किया करो। आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑथेंटिक न्यूज आपको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।